हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग गुलदाउदी की कटिंग को रिपोर्ट करने के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए मेरा डेंथस का कटिंग जो मैंने इस समय लगाया था, और इस देखिए अच्छे तरीके से ये चल पड़ा है। फ्रेंड्स, आप इस मौसम में किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो कर लेगा। आते ही बारिश की वजह से मेरा स्पाइडर प्लांट सड़ रहा है। देखिए इसका मैंने इसके सूखे हुए फ्लावर्स को यहाँ पर डाल दिया था। इसके सीड्स ये निकल चुके हैं, देखिए इस तरह से बहुत ढेर सारे निकले हैं। ये देखिए, ये मेरा क्रिसेंथेमम वही गुलदाउदी वाइट वाला है। टॉपिक पे इस प्रकार से हम सभी गमलों में देखिए ड्रेनेज होल किसी भी चीज़ से नुकीली चीज़ से बना लेंगे। एक बना हुआ है पर हम अच्छे से बना लेंगे सभी सभी गमले। देखिए ये मेरा सारा कटिंग लगा हुआ है जो इसमें अभी रिपोर्ट करूँगा। फ्रेंड्स, ये मेरा लगभग 1 मंथ का हो चुका है, अब ये रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया। फ्रेंड्स, तो अब हम मिट्टी तैयार करेंगे इसको लगाने के लिए। फ्रेंड्स, देखिए मिट्टी रहा इतना, और ये रेत है बालू। फ्रेंड्स, बालू को ज़रूर मिट्टी में डालना चाहिए, इस वजह से फ्रेंड्स मिट्टी थोड़ी भुरभुरी और अच्छी से रेतीली टाइप हो जाती है, तो अच्छा रहता है प्लांट के लिए। अभी हम इसमें से देखिए ऐसे पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे इन सबको। फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास गोबर खाद है तो आप गोबर खाद भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो फिर ये मेरा नीम का है खाद, इसके मैं इसे प्रयोग कर रहा हूँ। आप गोबर खाद भी इसकी जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। इसे भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे। देर बाद अब फ्रेंड्स हम इसे ऐसे देखिए इस तरीके से पानी दे देंगे सभी प्लांटों में। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्रिसेंथेमम की कटी लगा दी है। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।